जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जहां एक तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का आयोजन होना है, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आईसीसी टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का भी आयोजन 10 फरवरी से हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान हरमनप्रीत कौर के पास है इतिहास रचने का सुनहरा मौका, बस करना होगा उनको ये काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आईसीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 10 फरवरी से साउथ अफ्रीका में होगा। इस बार ये टी20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा है। ये 8वां विश्व कप है और इसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय टीम अपना पहला ही मैच पाकिस्तान के खिलाफ 12 फरवरी को खेलेगा। ये टूर्नामेंट भारत टीम के लिए जितना जरूरी है उतना ही कप्तान हरमनप्रीत के पास भी एक मौका है सुनहरा इतिहास रचने का। शाबाश बेटा। यहाँ दोस्तों आपको बता दें 3000 टी20 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन जाएंगी हरमनप्रीत कौर। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रही हैं। वो कप्तानी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी पर भी खास ध्यान दे रही हैं। ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप में उनके पास एक नया रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका है। दरअसल हरमनप्रीत कौर टी20 इंटरनेशनल में अब तक 2940 रन हो गए हैं। ऐसे में वो अगर केवल 60 रन बना लेती हैं तो वो भारत की तरफ से इस फॉर्मेट में 3000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन जाएंगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों आपको बता दें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिलाओं की लिस्ट में वो फिलहाल 5वें नंबर पर हैं। अगर वो 11 रन बना लेती हैं वो तो 14 नंबर पर आ जाएंगी और वो 2950 रन के साथ मौजूद न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को पीछे छोड़ देंगी। इस लिस्ट में टॉप पर न्यूजीलैंड की ही सूजी बैट्स हैं जिनके नाम 3683 रन के साथ वो मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आईसीसी टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत के मैच होंगे इस दिन। भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 12 फरवरी को खेलेगा। इतनी खुशी। उसके बाद 15 फरवरी को इसी मैदान पर वेस्टइंडीज के साथ मुकाबला होगा। बात है सर, क्या बात, ये फिर बात दोस्तों है। उसके बाद 18 और 20 फरवरी को पोर्ट एलिजाबेथ में इंग्लैंड के साथ और आयरलैंड के साथ भारत का मैच खेल होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों आपको बता दें भारतीय टीम ये सारे ही मैच भारत के समय अनुसार शाम के 6:30 बजे से और रात के 10:30 बजे से खेले जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताएंगे वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की क्या है स्क्वाड और क्या है प्लेइंग 11। अरे कहना क्या चाहते हो। यहाँ दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 टीम स्क्वाड इस प्रकार रहेगी। हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंदाना, सैफ अली वर्मा, यस्तिका भाटिया, ऋषा घोष, जेमिमा रोड्रिस, हरलीन दोल, दीप्ति शर्मा, देविका वैद, राधा यादव, रेणुका ठाकुर, अंजलि सरवानी, पूजा वस्त्रकार, राजेश्वरी गायकवाड़ और दोस्तों आखिर में है शिखा पांडे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतकर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप और एक आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप दोनों वर्ल्ड कप की खुशी आकर भारत में मनाएगी या नहीं? और दोस्तों आपको क्या लगता है कि हरमनप्रीत कौर 3000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर पहली महिला बन जाएगी या नहीं? अपनी प्यारी सी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं, कंट्रोल। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही क्रिकेट से रिलेटेड मोर और फनी वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है। अपना बहुमूल्य समय देते हुए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।